हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। 5 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच में हमारे डॉक्टर जयशंकर सर जापान और साउथ कोरिया जाते हैं, जहां उनके द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि जापान और साउथ कोरिया दोनों के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशंस को अच्छे किए जाएं। और ये हमारे लिए बेहद जरूरी भी है। जरूरी इस लिहाज से भी है कि जापान और साउथ कोरिया दोनों देशों का चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है। तो जियोपॉलिटिक्स में बहुत जरूरी होता है कि आप ग्रुप या अलायंसेस क्रिएट करते रहें। और वैसे भी आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। कहीं ना कहीं ये जो अलायंस क्रिएट हो रहा है या जापान और भारत जिस तरीके से नजदीक आ रहे हैं, ये चीज बिल्कुल भी चाइना को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और हम ये भी समझेंगे कि डॉक्टर जयशंकर सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम में और क्या कहते हैं और पॉसिबली उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या क्या उससे हम समझ सकते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले, आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपके पास कोई सजेशन सुझाव है तो वो भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। ये हमारे डॉक्टर जयशंकर सर मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं और जापान और इंडिया के रिलेशंस को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर जयशंकर सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही, जहाँ पे वो ये कहते हैं कि दुनिया रीग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है और उसके लिए जापान भारत जैसे देशों को साथ आके बैठ के काम करना, ये भारत के लिए भी अच्छा है और ये दुनिया के लिए भी अच्छा है। यूनाइटेड नेशन के अलग अलग जो डिविजन्स या डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स में कह ले कि बस गिने चुने देशों का ही दबदबा है। उसमें से एक यूएस है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है। कह ले इन लमसम यूनाइटेड नेशन जो है वो यूएसए और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज का पपेट है। वो वही कहता है, वही करता है जो यूएस और उसके जो अलायज है, उसके जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनके फेवर में रहे। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मेंबरशिप है उसको देखा जाए और उसमें समय के साथ बदलाव किया जाए। इसी बात को डॉक्टर जयशंकर सर भी फोकस करते हैं, जहां पे वो ये कहते हैं कि लगभग 20-25 सालों में 20 से लेकर 30 ऐसे कंट्रीज हैं जिनका जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो काफी बढ़ा है। और अगर आप सही सेंस में अगर आप ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं या आप सच में चाहते हैं कि दुनिया को आप एक पीसफुल प्लैनेट बनाएं, अर्थ को एक पीसफुल प्लैनेट बनाएं, तो उसके लिए बेहद जरूरी होता है कि कम से कम हर 5 साल में ग्रुप है या उसका जो पूरा मैकेनिज्म है उसको देखा जाए और समय दर समय उसमें बदलाव किया जाए। वैसे तो ग्लोबलाइजेशन अलग अलग फेज में आया था, लेकिन 1990s के दौर में भारत में भी ग्लोबलाइजेशन होता है, जहां पे हम अपने इकोनॉमी को खोलते हैं। उसके साथ ही और भी दुनिया के अलग अलग देशों ने अपने अपने हिसाब से अपने इकोनॉमी को, अपनी सोच को बदला। तो कह सकते हैं कि 1990s का वो दौर था जहां पे एक और ग्लोबलाइजेशन जैसा पीरियड को देखा गया। भारत और जापान एक ग्रुप का हिस्सा है जिस ग्रुप का नाम है क्वाड। हालांकि भारत और जापान के अलावा इसमें यूएस और ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन क्वाड को जिस तरीके से इम्पोर्टेंस देना चाहिए उस तरीके से इम्पोर्टेंस यूएस नहीं दे रहा है। या कह ले जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, उनका ये कहना है कि क्वाड के ऊपर और भी फोकस करना चाहिए या क्वाड को और भी मजबूत करना चाहिए, लेकिन ये उस तरीके से हो नहीं पा रहा है जिस तरीके से अज्यूम किया गया था कि क्वाड परफॉर्म करेगा। चाहे जापान हो गया या साउथ कोरिया हो गया, कहने की जरूरत नहीं है कि दोनों देश टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा एडवांस हैं। अगर हम इस मौके को अपने फेवर में लाते हैं, जहां पे हम जापानीज कंपनीज और साउथ कोरियन कंपनीज को भारत में अपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत उनको बुलाएं, उनको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो इससे ना कि भारत में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ेगा, उसके अलावा जो हमारे भारत के जो यूथ हैं, जो यंगस्टर हैं, जो कंपनीज हैं, उनको भी काफी बेहतरीन दुनिया के कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो इससे एक चीज होगा कि भारत में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगे, तो उसके कारण क्या होगा कि भारत खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ना कि हम यूएस के किसी कंपनी जैसे कि गूगल हो गया या इसके और भी अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर डिपेंडेंट रहेंगे। उसके अलावा भी एक जो कॉमन सवाल लगभग पूछा जाता है किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, वो ये है कि भारत रशिया को क्रिटिसाइज क्यों नहीं करता है, क्योंकि रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, इसलिए दुनिया ये चाहता है कि भारत रशिया को क्रिटिसाइज करे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे आके, क्योंकि रशिया और भारत के रिलेशंस काफी अच्छे हैं। और जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, उसके बाद से रशिया भारत को डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल बेच रहा और भारत बढ़ चढ़ के ऑयल खरीद रहा। यहाँ पे यूएस का ये मन था कि भारत रशिया से ऑयल परचेज ना करे, बल्कि उस देश से ऑयल परचेज करे जिस देश के बारे में यूएस कह रहा था, मे बी लाइक सऊदी अरेबिया या कोई और ऐसा देश। तो एक चीज को आप समझिए कि अगर भारत को कहीं से अगर सस्ता
तेल मिलेगा तो भारत वहीं से खरीदेगा, क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है जहां पे सरकार जिसकी भी हो हमें ये बहुत सोच समझ के हमारे पास जो फंड होता है उसका हमें यूटिलाइजेशन करना है। तो हमें उन सब मौकों का तलाश करना है जहां से हम कुछ पैसे बचा सकें, क्योंकि भारत से लगातार ये उम्मीद किया जा रहा है कि हम रशिया को क्रिटिसाइज करें। उसके रिस्पांस में डॉक्टर जयशंकर सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने ओपिनियन या कह रहे भारत का ओपिनियन रखते हैं, जहां पे वो ये कहते हैं कि दुनिया एक काफी कॉम्प्लिकेटेड जगह है जहां पे हर देश के कुछ अपने वसूल हैं, कुछ अपने बिलीफ हैं। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि या इनफैक्ट हर बार ऐसा ही देखा जाता है कि दुनिया अपने अपने हिसाब से चीजों को रखते हैं, चीजों को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूएस और रशिया के बीच में रिलेशन नहीं है और बहुत हद तक दुनिया वेस्टर्न मीडियाज को ही सुनता है या उसके चलाए हुए एजेंडा को ही सही मानता है। तो उसी के रिस्पॉन्स पे डॉक्टर जयशंकर सर कहते हैं कि दुनिया कहते हैं कि किसी एक पॉइंट को पकड़ के ये कहना कि पूरा दुनिया उसी को सच क्यों नहीं मानता, कहने का मतलब है कि ठीक है अगर रशिया और यूक्रेन वॉर में है जहां पर रशिया ने अटैक किया, लेकिन हमें इस बात को पे भी फोकस करना है कि आखिर में रशिया ने अटैक क्यों किया। अगर आप यूक्रेन रशिया के वॉर को अगर आप बहुत ही ईमानदारी से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रशिया इतना भी बुरा नहीं है। लगभग लगभग दुनिया के 70 या उससे भी अधिक देशों में यूएस का मिलिट्री बेस है जो कि लगभग लगभग 800 से भी ज्यादा है। तो आप इस चीज को समझिए कि यूएस को ये परमिशन किसने दिया कि दुनिया के लगभग 70 या उससे भी अधिक देशों में अपने मिलिट्री बेस को बनाए। तो ये कहना कि सिर्फ व्लादिमीर पुतिन या रशिया गलत है, ये गलत हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही कहने का मतलब था हमारे डॉक्टर जयशंकर सर के द्वारा। हालांकि जो भी हो, जिस तरीके से अटेम्प्ट किए गए हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जापान और साउथ कोरिया के करीब आए, उनको अपने करीब लाया जाए और बायलैटरल रिलेशन को बढ़ाया जाए, ट्रेड कॉमर्स को बढ़ाया जाए, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी बात है। और खास करके क्योंकि जापान और साउथ कोरिया दोनों के रिलेशंस चाइना के साथ अच्छे नहीं है, तो इसलिए चाइना को काउंटर करने के लिए भी हमें जापान और साउथ कोरिया का जरूरत है। और इनफैक्ट जापान और साउथ कोरिया उनको भी भारत का जरूरत है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।